So this was my, a vent basically to get off studies. So ऐसे मेरी शुरुआत हुई. फिर मोहल्ले की टीम्स होती थी, उसमें मैं सबसे छोटा था, तो 12th मैन बनने का मौका मिलता था, तो हम उसी में बड़ा खुश रहते थे. You know, I too had a passion for flying. So I enrolled myself in Delhi Flying Club, जो सफदरजंग में है. वहाँ पे स्टूडेंट फ्लाइंग लेसन्स हमने लेना शुरू कर दिए, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस भी ले लिया. तो दैट इज हाउ आई केम टू दिल्ली. जो मैं अपनी फर्स्ट गेम खेल रहा था हरियाणा के अगेंस्ट, दिल्ली फिरोजशाह कोटला में 97 में, उसमें मैंने 50 प्लस रन का स्कोर बनाया था, और वो एक ही 50 रन प्लस का स्कोर था जो पूरे मैच में हुआ था दोनों टीम से. 2004-05 में नॉर्थ जोन का मैच खेल रहे थे अगरतला में, तो हमारे एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे हिमाचल के, राजीव नैयर, उस टाइम के कप्तान थे वो. वो बैटिंग कर रहे थे और हम 12th मैन थे, हमने इन्हें अपनी जगह बना रहे थे दिलीप ट्रॉफी की टीम में. तो शुरुआत 12th मैन ही से होती थी, तो हमारा जो काम था वो पानी पिलाना, ड्रिंक सर्व करना, कपड़े सुखाना, ये सब था. तो उनकी शर्ट थी एक जो उन्होंने मुझे लंच टाइम में दी सुखाने को, उस पर काफ़ी सारे होल्स थे. तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये बंदा ये होल वाली टी शर्ट क्यों मारता है. तो हम जैसे थोड़ी चेतानी दिमाग के थे, हमने वो टी शर्ट क्या किया, वो टी शर्ट फाड़ दी और उनको अपनी एक नई टी शर्ट दी. लेकिन वो बहुत गुस्सा हुए हमसे, बड़ा उन्होंने कर्ज किया हमें, और वो बड़े शिव जी के भक्त थे. उन्होंने एक शाप में बोला कि जा, तेरा कैरियर, तेरा एक साल देखना कैसा जाएगा. और अल्टीमेटली वही हुआ. एक साल तक मेरे बैट पे तो बॉल लगती नहीं थी, पैड से कभी लग के विकेट पे चली जाती थी, कभी गॉड बैंड हो जाता था. एक बीकेसी में खेल रहे थे बॉम्बे में, और जहीर खान वो गेम खेल रहे थे, मुझे अभी भी याद है. इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, लेकिन एक स्पेल 8 या 10 ओवर का जहीर खान ने डाला था, मैं और गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे. तो वो ऐसा स्पेल था कि उसमें हमें मतलब हिलने का मौका नहीं मिल रहा था, कि हम ऐसा नहीं था कि हम आसानी से दूसरे एंड पे चले जाएं. मतलब काफ़ी, मतलब वो स्पेल खेलना मतलब कि अगर आप थोड़े से भी लीनियंसी या आपकी कॉन्सेंट्रेशन में लैप होता तो आप मेरे ख्याल वो आउट हो जाते.